please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियलिटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं इसे पूरे दिल्ली एनसीआर में डेवलपमेंट हब साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है और ये जो रोड है ये रोड इस शहर की खूबसूरती पे चार चांद लगा देती है। लेकिन इस चांद पे भी ग्रहण है और वो ग्रहण है जो दिल्ली में कैंसर के रूप में है, जिसके वजह से पूरी दिल्ली परेशान है और हम आज आपको उस परेशानी से अवगत कराना चाहते हैं। वो परेशानी है पार्किंग की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है वाटिका एट्रियम की और ये कमर्शियल बिल्डिंग है। इसके अंदर लोग, कमर्शियल का मतलब हो गया कि इसके अंदर लोग रहने नहीं आते, काम करने आते हैं, चीज़ें खरीदने आते हैं, बैंक है, बैंक में पैसे जमा करने आते हैं और अंदर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण गाड़ियाँ बाहर लग जाती हैं जैसे अभी लगी हुई हैं। सर, पार्किंग की तो बहुत बड़ी समस्या है जी, और जो भी बैंक में पैसा निकालने के लिए आते हैं रोड पे खड़ी कर देते हैं गाड़ियों को और अंदर चले जाते हैं, एक घंटे में आते हैं वो। और इस पे जाम कितनी देर का लग जाता है? जाम तो जी कभी कभी तो 20-25 मिनट का जाम लग जाता है। और बाकी ये सर्विस रोड भी है, सवारियाँ भी बैठती हैं, जो बस आती हैं वो भी रुक जाती हैं बीच रोड पे, पीछे तक काफ़ी पीछे तक जाम लग जाता है और कोई यहाँ पे बोलने वाला है नहीं है। और जो पुलिस वाले हैं वो भी आते हैं तो खाली पैसे तो मांगते हैं, हाँ चाय पानी के लिए दे दो बाकी। भाई आप कैसे, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है आप वहाँ पे? सर, एक तो रोड पे जो गाड़ियाँ पार्किंग रहती है ना उससे जो है ट्रैफिक बहुत जाम होता है। पहली बात तो अगर जिनके पास पार्किंग की जगह नहीं है उनको जो है दुकानें नहीं खोलनी देना चाहिए और ना उनको गाड़ियाँ देनी चाहिए जिनके पास पार्किंग नहीं है गाड़ी खड़ी करने के लिए, तब जाके ट्रैफिक का समस्या हल होगा कुछ। जबकि ये रोड इतनी चौड़ी है कि वहाँ पे आप दिखाएंगे कि ये बाइक जहाँ पे खड़ी है यहाँ से लेके और इस वैगनार तक कम से कम तीन गाड़ियाँ एक साथ निकल जाएंगी और एक गाड़ी यहाँ से, मतलब ये 4 लेन रोड है और ये सिंगल लेन बना दी गई है वाटिका एट्रियम की वजह से, जिसपे इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं और जाम लग जा रहा है रोड पे। वाटिका एट्रियम की ये जो बिल्डिंग है इसमें कमर्शियल बिल्डिंग है ये, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी कर देते हैं, इससे आप लोगों को क्या दिक्कत आती है? नहीं, बाहर तो मजबूरी है क्योंकि इनकी जो वाटिका की अपनी जो बिल्डिंग है, अपनी जो पार्किंग है, इनकी बहुत महंगी है और मोस्टली जितनी भी कंपनियाँ हैं उन कंपनी के लिए जो सीनियर अफसर हैं उनके लिए अवेलेबल है। और टैक्सी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, टैक्सी तो मजबूरी है, बाहर खड़ी करनी पड़ेगी सबको। और जो अंदर एम्प्लॉई हैं, जो बाहर के, जो जैसे कि जो बाहर के जो काम करते हैं 10 मिनट के लिए आया, आधे घंटे के लिए आया, वो रोड पे खड़े करके चले जाते हैं। बाकी तो प्रॉब्लम तो है ही, शाम को तो इतना जाम लग जाता है। कितनी देर का जाम लग जाता है यहाँ पे? लगभग 1-1 घंटा भी लग जाता है, जहाँ तो इफ्का चौक पहुँचने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, जबकि ये 5 मिनट का रास्ता है स्पीड में। जब बना था रोड था तब तो सही था, अब तो काफ़ी कंपनियाँ आ गई हैं तो ट्रैफिक। जो आगे पॉश सोसाइटीज़ हैं, जो DLF के बिल्डिंग है आगे, अगर उन्हें भी यू टर्न लेना हो तो उन्हें इसी रोड से आना पड़ता है? उनको तो यू टर्न तो बस गोल चक्कर के पास ही है, उसके बीच में तो कोई यू टर्न नहीं है, तो उनको भी, सोसाइटी वालों को भी मोस्टली यहीं से आना पड़ेगा। और उन्हें कितने देर के जाम से गुजरना पड़ता है यहाँ से लेके? वही सबको, अगर वहाँ से निकलेंगे, गोल चक्कर से निकलेंगे और हमें सिकंदरपुर जाना है तो 1 घंटे का रास्ता मैक्सिमम है। मेरे पीछे आप जो ये रास्ता देख रहे हैं ये जा रहा है वाटिका एट्रियम की पार्किंग की तरफ, लेकिन पार्किंग होने के बावजूद अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गाड़ियाँ बाहर क्यों खड़ी हैं। तो बात यह है कि जो ये पार्किंग है वाटिका एट्रियम की, ये सिर्फ वाटिका के अंदर जो ये दो बैंक हैं इनके अंदर जो बड़े अधिकारी हैं सिर्फ उनके लिए है, लेकिन अधिकारी अंदर कम है, पार्किंग उनके हिसाब की, उससे ज़्यादा बैंक में लोग आते हैं। दो बैंक हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो बैंकों में कितने ज़्यादा लोग आते होंगे और कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आती होंगी। उनकी गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उनकी गाड़ियाँ लगती हैं इस रोड पे और जैसे ही अभी जाम लग रहा है आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ रुक गई हैं। 4 लेन का रोड है ये, सिंगल लेन बच जाती है गाड़ी निकालने के लिए। और जो लोग उधर रहते हैं आगे, जो पॉश सोसाइटी हैं, 25 करोड़ 30 करोड़ के अंदर फ्लैट हैं, DLF के फ्लैट हैं, उन लोगों को भी इस जाम को फेस करना पड़ता है, इस जाम से जूझना पड़ता है। हम ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जाम कैंसर बन चुका है और यहाँ पे लोग अभी बच सकते हैं। ये अंडर डेवलपमेंट है एरिया, अभी यहाँ पे विकास हो रहा है, यहाँ पे गुंजाइश है अभी। ये जाम की दिक्कत
कैंसर ना बन जाए दिल्ली की तरह, इसलिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। रियलिटी मीडिया के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट।